वेलकम बैक हमने क्लास एलेवेंथ इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्री स्टार्ट किया है दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़ पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज़ ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट किया था देन हमने क्वार्टाइल्स ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हमने क्वार्टल्स का मीनिंग देखा क्या होता है देन हमने इंडिविजुअल डेटा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है एंड सम्स के अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से पुटअप करके हम इंडिविजुअल डेटा सॉल्व करते हैं ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा हमने सम्स देखा प्रॉब्लम देखा इंडिविजुअल डेटा का और राइट इस वीडियो में हम डिस्क्रीट डेटा ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट डेटा डिरेक्टली यहाँ पे सम्स गिवन है प्रॉब्लम गिवन है हम डिरेक्टली सम के ऊपर आते हैं देख लेते हैं क्या है डिस्क्रीट डेटा बाय अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी डिराइव तो डिस्क्रीट डेटा में हमें क्या करना है सेम सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है नंबर्स गिवन है उन्हें असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा और right? तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है फॉर्मूला देख लेते हैं साइज ऑफ आई एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो आई जो है ये यह वाला यहाँ पे आई स्टैंड फॉर वन टू थ्री दैट इज अगर क्वार्टाइल वन हमें फाइंड आउट करना है तो वन लगेगा क्वार्टल टू फाइंड आउट करना है तो टू लगेगा और क्वार्टल थ्री फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे थ्री लगेगा और राइट right? तो ये चीजें हैं नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं तो अभी ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड आउट क्वार्टल वन एंड क्वार्टल थ्री दैट इज क्यू वन एंड क्यू थ्री फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा तो हमारा क्वेश्चन है ये ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें Q1 वन एंड क्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें स्टेप करना है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ये जो हमारा इनकम है इसे हम X कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ जो पर्सन है उसे हम F कंसीडर करेंगे और राइट सो हमें सबसे पहले इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा टेबल बनाना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले क्या आएगा फोर फाइव सिक्स देन नाइन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ये हमें लिखना है ऐसे एंड फोर के सामने सिक्स है तो सिक्स आएगा फाइव के सामने एट है तो एट आएगा ये बिल्कुल वैसे ही अरेंज होगा और राइट right. तो देख लेते हैं टेबल बना लेते हैं हम सबसे पहले इसके लिए तो यहाँ पर टेबल बना हुआ है देख लेते हैं सोल्यूशन है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर टेबल है बना हुआ ऑलरेडी इससे हम टेबल बना हुआ है ये जो टेबल है इसको सबसे पहले हमने क्या किया है सी ये यहाँ पर इनकम हमने एक्स कंसीडर किया है नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो हमारा एफ़ है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये एक अलग से हमें कॉलम बनाना है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ राइट तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये हमें करनी है सिंपल सा है हमने इनकम अरेंज किया ये असेंडिंग ऑर्डर में देन हमने ये नंबर्स ऑफ पर्सन प्लेस किया कीूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे क्या करना है सबसे पहले हमने सबसे पहला ये सिक्स लिखा फ़ोर्टीन कैसा है सिक्स प्लस एट फोटी देन 14 प्लस नाइन इज ईक्ल टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व इज ईक्ल टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टेन इज ईक्ल टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस एट इज ईक्ल टू फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी थ्री प्लस सिक्स इज टू फिफ्टी नाइन तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा फिफ्टी नाइन ये क्या है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑल राइट तो हमारा एन हमें क्या मिलेगा फिफ्टी नाइन हम इन्हें भी ऐड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा फिफ्टी नाइन जो हमें यहाँ पे लिखा ऑल राइट सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा किस तरीके से हमारा ये निकला है क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड एन और राइट आगे देख लेते हैं अब क्या करना है अब डिरेक्टली हमें फार्मूला अप्लाई करना है सो so हमारा ये क्या है फॉर्मूला साइज ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर क्योंकि हमें क्या करना है क्वार्टाइल वन फाइंड आउट करना है इसके लिए यहाँ पे आई जो है वो वन आएगा तो वन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा इसके लिए हमने यहाँ पे वन लिखा नहीं है और राइट डिरेक्टली हम क्या formula apply करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यूज पुट पुटअप किया एंड कितना मिला था हमें फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन देन हमने वन डाला एंड फोर देन हमने इसे और सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट को सॉल्व किया सिक्सटी फिफ्टी नाइन प्लस वन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर उसके बाद क्या आया आंसर फिफ्टीथ ऑब्जर्वेशन तो हमारा आंसर कितना है फिफ्टीथ ऑब्जर्वेशन तो ये हमारा आंसर नहीं है क्वार्टाइल वन नहीं है ये हमारा ये क्या है सिर्फ फिफ्टीथ ऑब्जर्वेशन अब हमें फिर से क्या करना है यहाँ लिखा है साइज ऑफ फिफ्टी ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ क्यूबलेटिव फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी थ्री हैं स्कवाटाइल वैल्यू इज़ सिक्स लैक्स तो अब ये किस तरीके से आया है वो देखेंगे हम तो हमें क्या करना है टेबल में जाना है सबसे पहले हमारा आंसर कितना आया था फिफ्टीन आया था दैट इज़ फ़िफ्टींथ ऑब्जर्वेशन तो फिफ्टीनथ ऑब्जर्वेशन किस में लाया करता है फ़ोर्टीन में आएगा क्या नहीं क्योंकि फोटीन फिफ्टीन से कम है ट्वेंटी थ्री में आएगा तो ये जो पर्टिकुलर टेबल है दैट इज ट्वेंटी थ्री वाला तो ट्वेंटी थ्री में ये जो है सिक्स दैट इज इनकम जो एक्स हमने कंसिडर किया था इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था तो ये जो पर्टिकुलर है ये क्या होगा हमारा ट्वेंटी थ्री डेट इज सिक्स ऑल राइट तो हमारा कितना आएगा आंसर सिक्स आई होप आपको समझ में आया होगा सो so, हमारा आंसर कितना आया सिक्स लैक्स तो क्वार्टाइल इलवन इज इक्वल टू सिक्स लैक्स सेम वैसे ही हमें क्वार्टाइल थ्री फाइंड आउट करना है कुछ नहीं करना है जस्ट क्या करना है ये रहा हमने क्या किया फॉर्मूला जो है वो पुटअप किया क्वार्टाइल थ्री इसके लिए हमने यहाँ पे आय जो है वो थ्री कंसीडर किया थ्री लिखा वहाँ पे वन नहीं लिखा था बिकॉज वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा यहाँ पे हमें ये थ्री लिखना पड़ेगा ऑल राइट सो जस्ट क्या करना है अब फॉर्मूला हमने डाला फार्मूला में वैल्यूज़ पुटअप की थ्री एन प्लस वन दैट इज फिफ्टी नाइन प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन डिवाइड बाई फोर ये हमने किया हमें इसे और सिंप्लीफाई किया पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमें फिफ्टी नाइन प्लस वन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर हमने किया ऐसे हमने और, और सिंप्लीफाई किया कितना आंसर मिला फ़िफ्टीन फिफ्टीन और ये थ्री ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट देन फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव तो हमारा आंसर कितना है दैट इज़ क्वार्टाइल थ्री फोर्टी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पे क्या लिखा है साइज ऑफ़ फोर्टी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फोर्टी फाइव तो आंसर कितना आएगा टेन लैक अब ये किस तरीके से आया टेन लैक टेबल में चलते हैं फिर से तो हमारा ये जो टेबल है यहाँ पे कितना है दैट इज़ फोर्टी फाइव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फोर्टी फाइव आया हमारा इसके सामने वाला ये पर्टिकुलर जो टेबल है कितना है टेन लैक्स और राइट तो हमारा आंसर देखो कितना आया था टेन लैक आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आंसर आया हमारा टेन लैख तो अभी हमें क्या करना है सिंपली यहाँ पे आंसर लिखना है अपना क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी दैट इज़ क्वार्टाइल वन इज इक्वल टू सिक्स लैक्स एंड क्वार्टाइल थ्री इज इक्वल टू टेन लैक्स ऑल राइट आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने डिस्क्रीट डेटा जो है वो फाइंड आउट किया कॉलम बनाया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लिखा हमने फाइंड आउट किया एड करते गए नंबर हमें मिला दैट इज़ एंड मिला हमने फॉर्मूला पुटअप किया एंड क्या किया ऑब्जर्वेशन जो है एक्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाके हमने क्वार्टाइल वन एंड क्वार्टाइल थ्री फाइंड आउट किया सिंपल था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है नेक्स्ट क्या है हमारा कंटिन्यूस डेटा तो अब कंटिन्यूस डेटा किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं क्वार्टाइल वन एंड क्वार्टाइल थ्री दैट इज क्यू वन एंड क्यू थ्री फॉर कंटीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कैलकुलेटेड बाई अपलाइंग दी फॉलोइंग स्टेप्स तो अब हम कंटीन्यूस डेटा जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो जो भी डेटा होगा वैल्यूज़ होंगी उन्हें हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा और राइट नेक्स्ट क्या करना है हमें रीराइट द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसीज निकालनी है देन फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है जैसे हमने निकाला था जिसक्री डेटा के लिए देन डिटरमाइन क्वार्टाइल क्लास उसके बाद हमें क्वार्टाइल क्लास डिटरमाइन करना है सिंपल अब क्या करेंगे स्टेप्स गिवन है तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या है फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मूला गिवन है फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में क्यू और क्यू फाइंड आउट करना है हमें तो क्यू के लिए क्या है साइज ऑफ एन दैट इज साइज ऑफ़ एन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन और क्यू थ्री के लिए क्या है साइज ऑफ थ्री एन क्योंकि यहाँ पे थ्री क्यों आया बिकॉज थ्री है यहाँ पे क्वार्टाइल थ्री फाइंड आउट करना है तो थ्री एन डिवाइड बाई फोर डेट इज़ फोर्थ ऑब्जर्वेशन और राइट आई होप आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो समझ में आया होगा नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट स्टेप इज डिरेक्टली फॉर्मूला तो कंटिन्यूस डेटा का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर डाला है हमने क्वार्टाइल क्यू आई इज इक्वल टू एल दैट इज एल यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टल क्लास आई एन डिवाइड बाई फोर माइनस सी एफ दैट इज क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी पूरा डिवाइड बाई एफ दैट इज फ्रिक्वेंसी ब्रैकेट इन टू एच तो एच क्या है वो हम देख रहे हैं अभी नीचे तो यहाँ पे एल हमारा क्या था ये एल हमारा है लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टल क्लास एफ हमारा क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्वार्टल क्लास सी एफ हमारा क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टल क्लास दैट इज़ जो भी हमारा सी एफ रहेगा हमें सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो क्लास होगा उसके पहले वाला प्रिसीडिंग मतलब उसके पहले वाला और राइट right? वो जब हम सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा एन जो हमारा है एन कितना है टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी और एच ये जो है ये क्या है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्वाटाइल क्लास अब हम जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें हमने कैसे पुटअप करी हैं क्वेश्चन क्या है फाइंड आउट क्यू वन एंड क्यू थ्री कोटाइड फॉर दी फॉलोइंग डेटा यहाँ पर टेबल गिवन है डेटा गिवन है हमें क्यू वन और क्यू थ्री फाइंड आउट करना है सो so, देख लेते हैं सबसे पहले रेन फॉल इन सेंटीमीटर्स तो ये टेबल है इसके अंदर क्या है रेन फॉल इन सेंटीमीटर्स तो यहाँ पर यह रेन फॉल गिवन है ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी एंड फिफ्टी टू सिक्सटी ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है देन नंबर ऑफ़ ईयर्स सेवन ट्वेंटी सेवेंटी नाइन सिक्स तो हमें क्या करना है सबसे पहले टेबल बनाना है रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स हमने ये जैसा था बिल्कुल वैसा लिखा ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी एंड फ़िफ्टी टू सिक्सटी नंबर ऑफ ईयर्स हमने अरेंज किया सेवन ट्वेंटी सेवेंटी नाइन सिक्स जैसा था बिल्कुल वैसे था, हमने लिखा है अब क्या करना है हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये हमें फ़ाइंड आउट करनी है किस तरीके से हम क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो सेवन लिखा सेवन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस सेवेंटीन फोर्टी फोर फोर्टी फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टी तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिला दैट इज़ ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ हमारा एन कितना मिला हमें फिफ्टी ऑल राइट सो यहाँ पर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया एंड एन फाइंड आउट किया अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या था क्यू वन दैट इज क्वार्टाइल वन हमें फ़ाइंड आउट करना है उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कंटिन्यूस डेटा का सो so, सबसे पहले क्या करेंगे क्यू आई इज इक्वल टू दैट इज़ क्यू वन इज इक्वल टू साइज़ ऑफ एन प्लस एन डिवाइड बाई फोर फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने ये पर्टिकुलर फार्मूला कोटअप किया दैट इज फिफ्टी हमारा एन फिफ्टी था ये वाला इसके बाद हमने क्या किया फोर दैट इज़ एन डिवाइड बाय फोर फिफ्टी डिवाइड बाय फोर हमने किया आंसर कितना मिला हमें ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव अब ये क्या है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव लाइज इन सी एफ दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी सेवन देर फॉर फर्स्ट क्वार्टर क्लासेज फिर थर्टी टू फोर्टी तो अब ये थर्टी टू फोर्टी किस तरीके से आया हमारा तो हम क्या करेंगे सेवन में तो नहीं आएगा क्योंकि ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव और सेवन सेवन छोटा है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव बड़ा है तो उसमें लाई नहीं करता किस में लाई करेगा ये ट्वेंटी सेवन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लाई करता है तो ट्वेंटी सेवन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सा क्वार्टर क्लास है थर्टी टू फोर्टी वाला दैट इज़ ये वाला पर्टिकुलर क्लास है थर्टी टू फोर्टी वाला ऑल राइट सो अब हम क्या करेंगे किस तरीके से हमने ये किया है तो एल हमारा क्या था थर्टी दैट इज़ लोअर लिमिट किस तरीके से आया तो ये जो थर्टी है दैट इज़ हमारा ये जो थर्टी टू फोर्टी तो थर्टी हमारा क्या है लोअर लिमिट फोर्टी हमारा क्या है अपर लिमिट और राइट सो हमारा एल कितना हमें मिला थर्टी आई होप आपको समझ में आया कैसे एल मिला ये वाला क्लास जो था हमारा फोर्टी हमारा अपर लिमिट है थर्टी हमारा लोअर लिमिट है क्योंकि थर्टी छोटा है फोर्टी बड़ा है तो एल हमेशा लोअर लिमिट मतलब थर्टी एफ हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी ये रहा एफ देन हमारा सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है क्लास प्रिसडिंग द क्वार्टाइल क्लास तो हमारा कितना था दैट इज ट्वेंटी सेवन हमारा कितना ट्वेंटी सेवन हमारा क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसडिंग मतलब उसके पहले वाला इसका मतलब कितना सेवेन ऑल राइट सो हमारा सी एफ कितना मिला हमें सेवन मिला आई होप समझ में आया किस तरीके से मिला प्रिसीडिंग दी दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्वाटर क्लास प्रिसीडिंग दी क्वाटाइल क्लास एन हमारा कितना था ऑब्वियस है एन तो हमारा फिफ्टी हमें मिला ही है एच हमारा कितना है टेन अब ये टेन किस तरीके से आया तो टेन कैसे मिला हमें देख लेते हैं तो हमारा ये जो पर्टिकुलर नंबर है दैट इज़ क्वाटाइल क्लास जो है हमारा थर्टी टू फोर्टी वाला तो क्या बोला है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ कॉटर क्लास तो अपर लिमिट कितना था फोर्टी लोअर लिमिट थर्टी तो फोर्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू टेन तो हमारा एच कितना आया हमें टेन मिला और राइट right. तो समझ में आया आपको ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो किस तरीके से हमें मिला बहुत सिंपल है जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना है आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और राइट सो अभी इसे क्या करना है जस्ट हमें फॉर्मूला जो है उसके अंदर पुटअप करना है तो स्टेप टू क्या था हमारा कंटिन्यूस डेटा का फॉर्मूला था सो so, हमने फॉर्मूला जो है ये पूरा फॉर्मूला जैसा था बिल्कुल वैसा लिखा है याद करना है आपको फॉर्मूला क्यू वन इज़ इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड बाई फोर माइनस सी एफ अबॉन एफ इन टू एच अभी हमें एल मिला था दैट इज़ हमने एल फाइंड आउट कितना किया था थर्टी एन हमारा कितना था दैट इज़ नंबर फिफ्टी था डिवाइड बाय फोर जो फार्मूला में है सी एफ दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिकवेंसी कितना था प्रिसडिंग क्लास वाला सेवन जो हमने फाइंड आउट कर लिया ये सेवन एफ हमारा कितना था फ्रिक्वेंसी उस क्लास का ट्वेंटी एच हमने देखा कैसे मिला हमें टेन हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली हमने ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है फॉर्मूला में पुटअप किया अब सीधा हमें क्या करना है फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिफ्टी डिवाइड बाई फोर कितना है आंसर ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस सेवन तो ये हमारा हमने सिंप्लीफाई किया इसे और सिंप्लीफ़ाई हमने किया ब्रैकेट सॉल्व किया ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव माइनस सेवन फाइव पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी इसे सिंप्लीफाई किया दैट इज़ फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन फिफ्टी फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी तो हमारा आंसर कितना आया हमारे पास टू पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट सेवन फाइव प्लस थर्टी तो ये जो है हमारा थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव तो हमारा क्यू वन कितना मिला हमें थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कंटिन्यूस डेटा का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाला और राइट right. बिल्कुल उसी तरीके से हमें Q3 भी फाइंड आउट करना है सिंपल है जस्ट यहाँ पे क्या है ये पर्टिकुलर थ्री एन है क्योंकि वहाँ पे आए था दैट इज़ वन था तो वन का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे किसी भी नंबर से सेम आएगा थ्री यहाँ पे हमें लिखना है क्योंकि क्वार्टर थ्री फाइंड आउट करना है थ्री एन डिवाइड बाय फोर सिंपली थ्री वन डिवाइड बाई फोर हमने किया ये पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर नंबर डाला एन हमारा ऑलरेडी मिला था फिफ्टी डिवाइड बाई फोर हमने इसे सिंप्लीफाई किया वन फिफ्टी डिवाइड बाई फोर कितना मिला हमें थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ये हमारा ऑब्जर्वेशन था सेम हम क्या करेंगे टेबल में जाएंगे थर्टी सेवन किस में लाई करा था हमारा फोर्टी फोर डेट इज़ सी हमारा थर्टी फोर किस में फाइंड आउट लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये रहा ट्वेंटी सेवन में लाया करेगा नहीं क्योंकि ट्वेंटी सेवन छोटा है और थर्टी सेवन ज़्यादा है तो फोर्टी फोर में आएगा कौन सा है टेबल ये अगर आपको समझ में यह आ रहा कैसे करेंगे फोर्टी फोर ये वाला क्लास क्वार्टर क्लास आएगा दैट इज़ कितना आया फोर्टी फोर हमारा क्यूमुलेटिव क्लास है सेवेंटीन हमारा फ्रिक्वेंसी है फोर्टी टू फिफ्टी ये हमारा क्वार्टाइल क्लास है और राइट सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें एन हमारा पहले से हमें मिला हुआ था इस वाले पर्टिकुलर में एल हमारा फोर्टी आएगा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास फोर्टी राइट एफ हमारा कितना है सेवनटीन ये रहा सी एफ हमारा कितना है ट्वेंटी सेवन क्योंकि क्लास प्रिसीडिंग दी क्वाटर क्लास मतलब फोर्टी के पहले वाला फोर्टी फोर के पहले वाला दैट इज़ ट्वेंटी सेवन तो ये हमारा ट्वेंटी सेवन आया एन हमारा कितना था फिफ्टी ये ऑलरेडी फिफ्टी हमारे पास पहले से ही है तो हमारा एन जो है वो फिफ्टी ऑलरेडी है राइट देन एच हमारा कितना था टेन दैट इज़ फिफ्टी माइनस फोर्टी दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वाला और राइट right, तो हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज जो थे वो हमारे मिल गए हमें अब क्या करना है जस्ट ये सारे वैल्यूज़ को फार्मूला में पुटअप करना है हमने फार्मूला जो है वो लिखा थ्री एन क्योंकि क्वार्टाइल थ्री है इसके लिए यहाँ पे थ्री आएगा थ्री एन डिवाइड बाय फोर माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ जस्ट हमने क्या किया फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुटअप की जो भी हमारे ये वैल्यूज़ मिले थे हमें इसे हमने और सिंप्लीफाइव किया दैट इज़ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है फिफ्टी थ्री इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई फोर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई सेवेंटीन फार्मूला को सिंपली पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया टेन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सेवेंटीन टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन वन जीरो फाइव डिवाइड बाई सेवेंटीन इसको और सिंप्लीफाई किया हमने आंसर कितना मिला हमारा सिक्सटीन पॉइंट एट सिक्सटीन पॉइंट एट जो था क्या है वो प्लस किया हमने फोर्टी से तो हमारा ये जो है पूरा का पूरा क्वार्टाइल थ्री आया दैट इज़ फोर्टी सिक्स पॉइंट वन एट तो हमारा क्वार्टाइल वन कितना मिला हमें थर्टी टू पॉइंट सेवन फाइव मिला था एंड क्वार्टाइल थ्री हमें कितना मिला था फोर्टी सिक्स पॉइंट वन एट और राइट सो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस डेटा का पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आई होप आपको ये पूरा जो प्रॉब्लम था वो समझ में आया होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है सिर्फ आपको स्टेप्स याद करने हैं और फॉर्मूला याद करना है और उसके बाद आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यूज़ को पुटअप करना है बहुत ईजी हो जाएगा और राइट सो आई होप आपका पूरा का पूरा ये जो प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन था किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो समझ में आया होगा सो so, इस वीडियो में हमने डिस्क्रीट डेटा किस तरीके से डिस्क्रीट डेटा का प्रॉब्लम सम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला हमने समझा एंड प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड कंटिन्यूस डेटा क्या होता है और किस तरीके से उसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे कम दैट इज़ डेसाइज तो डेसाइज का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे आई होप इस वीडियो का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर योर टाइम